ये देखिए दोस्तों, मैंने सूजी से मसाला डोसा बनाया है। इंस्टेंट रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बन जाती है ये। और नॉर्मल जो हमारा चावल दाल वाला डोसा होता है ना, वैसा ही स्वाद मिलेगा। बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। साथ ही हम बनाएंगे एक स्पेशल इंस्टेंट चटनी भी, जिसे आप बिना डोसे के भी बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने 1/4 कप उड़द दाल ली है, बिना छिलके वाली। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर लिया है। इसे हम एक जार में डालेंगे। उड़द दाल की जगह आप मूंग दाल भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। तो मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, इसे मैंने काट लिया है। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये आसानी से महीन नहीं पीस पाएगा। तो इस तरह से हमें बारीक पेस्ट बना लेना है, देखिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी बारीक या मोटी कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो मैं 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। अगर दही पतली है तो आप 4 बड़े चम्मच डालिए, कप से आधा कप। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने 1 कप पानी लिया है, अभी मैंने आधा पानी डाला है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह का पेस्ट बना लेंगे हम। इस पेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। बैटर काफ़ी थिक है, तो हम इसके अंदर बाकी बचे पानी को भी डाल देते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये एक सार हो जाए। इस बैटर को बनाने में मैंने 1 कप पानी, आधा कप दही और 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। इसी मेजरमेंट से आप अगर डोसे का बैटर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनेगा। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट बना है डोसे का बैटर। तो अभी हम इस बैटर को रखते हैं एक तरफ और बनाते हैं इंस्टेंट चटपटी टेस्टी चटनी। इसके लिए मैंने 50 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। इसे हम पैन में डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। जब ये इस तरह से चटक जाए तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। अब इस चटनी में जाएगी एक बहुत ही स्पेशल चीज़, वो है सेजवान चटनी। चम्मच से ये 2 चम्मच है। इसकी जगह आप पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं, या टोमेटो सॉस के साथ कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। चटनी में भी नमक होता है, इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। इसमें अलग से मिर्च, अदरक या खटाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पीस ली है। तो फ्रेंड्स, चटनी है तो इसमें तड़का लगाना तो ज़रूरी है। तड़के के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने, करी पत्ते और थोड़ी सी लाल मिर्च। सभी चीज़ें हल्की सी चटक जाए जब, तब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। इस चटनी को आप रोटी पराठे के साथ भी खाएंगे ना, तो ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल अलग स्वाद में। तो चलिए, अब हम डोसे का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने, थोड़े से करी पत्ते और साथ ही इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 1 चम्मच अदरक को मैंने बारीक काट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अदरक से। अब हम इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच उड़द की दाल। इन्हें 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक भुनना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। बस प्याज का कच्चापन निकल जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे। मसाले जले नहीं और मसालों का कलर अच्छा सा आ जाए, तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच पानी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ा मोटा मोटा रखा है इसे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे इस तरह से दबाते हुए मैश कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आलूओं में अच्छे से आ जाए और आलू भी अच्छे से मैश हो जाए। ठीक इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले भी डोसे का मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है। तो ये हमारा डोसे का मसाला भी तैयार हो गया। अब हम चलते हैं डोसा बनाने। तो डोसा बनाने के लिए ये देखिए बैटर है। बैटर में हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से डोसे के बैटर में इसे मिक्स करेंगे।
दो से तीन मिनट तक लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे इसमें एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो देखिए बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने तवा रखा है। तवा को मीडियम फ्लेम पर हम गरम करेंगे। इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और इसे डालने के बाद हम इसे गीले कपड़े से पोंछ लेंगे जिससे तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। मैं एक कलछी बैटर इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए इस समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और चम्मच चलाते हुए इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे। इस समय रुकना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही चम्मच को उठाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इससे डोसा क्रिस्पी बनेगा और तवे से आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसे पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिना फर्मेंट के डोसे में कितनी सारी जालियाँ आ गई हैं। तो देखिए बीच से डोसे का कलर रेड होने लगा है। अब हम तवे को चारों तरफ से घुमाकर सेक लेंगे जिससे ये चारों तरफ से बराबर से सिक जाए। जब डोसा इस तरह से ऊपर से ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगे तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है ये डोसा। सूजी डोसा बनाने में चावल दाल के डोसे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है पर बनता बहुत बढ़िया है। दूसरे डोसे को बनाने से पहले तवे पर पानी ज़रूर छिड़क लें जिससे तवे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और गीले कपड़े से पोंछने के बाद इस पे बैटर डालें। बैटर तवे पर चिपकना चाहिए तभी डोसा अच्छा बनता है। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अगर लो फ्लेम पर आप डोसे को बनाएंगे तो डोसा पापड़ जैसा हो जाएगा। अगर हाई फ्लेम पर बनाते हैं तो डोसा मुलायम पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें और जब भी दूसरा डोसा बनाना हो तवे के ऊपर पानी छिड़कें, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, उसके बाद ही डोसा बनाएं। एक डोसा बनाने के बाद हाथ अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद चाहे आप 8-10 डोसे भी बना लें, आपके डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है ऊपर से। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो एक कप सूजी में आप 8 से 10 डोसे तैयार कर सकते हैं घर पर बहुत आसानी से। 10 से 15 मिनट में डोसा बनकर तैयार हो जाता है। लग रहा है ना एकदम मार्केट वाला डोसा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है और ये चटनी तो एकदम स्पेशल है। एक बार आप बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं इसे तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ना ही ये पापड़ बना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट। अंदर से ये सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम कड़क, जैसे बाज़ार में मिलता है ना उसी तरह का। तो इसे आप केवल चटनी से भी इंजॉय करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।